करनाल के गांव सिंगड़ा में एक युवक के द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में भिजवा दिया है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सिंगड़ा गांव में जसपाल के यहां कार्य करने वाले ब्रिजेश नामक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यवाही प्रारंभ कर दी। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं जसपाल, जिसके पास ब्रिजेश कार्य करता था, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 6 बजे के करीब ब्रिजेश द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। उन्होंने बताया कि ब्रिजेश मानसिक रूप से परेशान था और वह पिछले काफी अरसे से सिंगड़ा में जसपाल के यहाँ नौकरी कर रहा था और खेती बाड़ी का कार्य संभाल रहा था। मौके पर मृतक के परिजन कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक ब्रिजेश उर्फ बिरजू काफी समय से मानसिक परेशानी से परेशान चल रहा था, जिसके चलते हो सकता है कि उसने यह कदम उठाया हो। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सारे मामले का संज्ञान लिया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। क्या मामला था? सर जी, मेरे पास बिरजू काम करता था, तो ये अपने आप से भी मन परेशानी की वजह से अपनी फांसी ले लिया अपने आप। क्या नाम था उसका? ब्रिजेश बिरजू। कितने दिन से काम करता था ये? बहुत साल हो गए इसको, 8-7 साल हो गए, यही हमारे गाँव में रहता था। तो कैसे इसने हत्या की, आत्महत्या कैसे की सर? इसने ये फांसी से फंदा लगाकर। आपको कैसे सूचना मिली? हमारे को सुबह जब मेरे चाचा जी बाड़े में गए तो पता चला। तो क्या काम करता था आपके पास? ये खेती का काम करता हमारे पास। तो पुलिस को सूचना दे दी? क्या पहले हम पुलिस को फोन किया था। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? अब कुछ नहीं, उसके घर वाले भी आए हैं जी। हाँ जी। क्या नाम आपका? जसपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? सिंगड़े के। कब की है वारदात ये? आज की सर, सुबह। जिसकी डेथ हुई कौन था तुम्हारा भाई? कैसे डेथ हुई उसको? पता नहीं, रात को लगा ली। क्या बोल थोड़ा? रात को ला ली। रात को क्या लगाई? हाँ सी ला ली। कहाँ के रहने वाले? सागर के। है? सागर के। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश भोपाल में पड़ता। यहाँ क्या करता था? काम कर देते हैं। क्या, किस चीज का? डेंगू पट्टी। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा बोलिए। डेंगू का काम कर देते। किन के पास करते थे? सोनू के पास। हाँ जी, सोनू के पास है। अच्छा, तो क्या बात हुई उसने, कैसे लगाई? पता नहीं। कितने साल से काम कर रहा था उनके पास? 2 साल। क्या नाम था? बिरजू। कितने साल का था? 21-22 साल। तो कैसे पता लगा तुम्हारे को? मैं उनके रिश्तेदारों में लग रहे थे, उन्होंने फोन करा था हमारे पास। क्या कहा? क्या बात हुई, फिर हम तब गए सड़क में। क्या नाम है तुम्हारा? परम लाल। क्या लगते हो आप उन्हें? ये डेंगू खेती बाड़ी का काम करते हैं। क्या लगते हो? तू क्या लगता हूँ? मैं उसका भाई हूँ सगा। सर, आप क्या मामला था जी? मामला ये था सर, ये जसपाल सिंह के पास गाँव सिंगड़ा में नौकर लगा हुआ था, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। क्या नाम था इसका? इसका नाम ब्रिजेश बिरजू था, और जब कई दिन से मानसिक परेशान रहता था, मानसिक परेशानी के कारण इसने अपना फांसी का फंदा लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर दिया। कितने समय से इनके पास काम करता था? ये तकरीबन 2 साल से काम कर रहा था। तो आपको सूचना कैसे मिली सर? मेरे को सूचना ये अपने गांव के एक मौजूद आदमी है। कितने बजे की घटना सर? ये सुबह 6 बजे करीब की घटना। क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई इसकी 174 कार्रवाई की गई है, पोस्टमार्टम करवाने लग रहे हैं और अपना वारसान के हवाले कर देंगे डेड बॉडी को। वारसान आ चुके हैं जी। ये कहाँ का रहने वाला था मरने वाला? ये मध्य प्रदेश का रहने वाला था। उम्र कितनी है? उम्र इसकी तकरीबन 27 साल के करीब है। शादीशुदा? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.